Hey guys, New Dump का स्वागत है। Well, आज हम बात करने वाले 2038 में रिलीज हुए टॉप 5 बेस्ट मूवीज। यानी कि आप ये नहीं समझना कि ये जो टॉप 5 मूवीज मैं बताने वाला हूँ वो सारे मूवी बेस्ट हैं, या फिर इसके आगे कुछ मूवीज नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये मूवीज मेरे को अच्छा लगे और मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपने अभी तक ये मूवी चेकआउट नहीं किया हो जाकर चेकआउट एक बार कर लेना, क्योंकि जबरदस्त मूवीज है। 2023 में काफी सारे मूवीज रिलीज हुए हैं तो एक ही वीडियो में उसको कवर करना काफी मुश्किल होने वाला है। तो एक वीडियो में तो नहीं होने वाला है, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लेकिन आज हम टॉप 5 मूवीज के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। तो ये मूवी 2018 में आई मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स मूवी का सीक्वल है, जिसमें स्पाइडरमैन की अलग अलग यूनिवर्स दिखाए गए हैं। और इस बार कहानी हमको माइल्स मोरल की दिखाया जाएगा, जहां पर वो अलग अलग यूनिवर्स में जाता है और उसका मुलाकात होता है अलग अलग स्पाइडरमैन से और बहुत सारे स्पाइडरमैन से। और साथ ही इस बार माइल्स मोरल्स की एडवेंचर पहले से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। आईएमडीबी पर इसको रेटिंग मिले 8.9 स्टार आउट ऑफ 10 स्टार में से। मूवी को चेकआउट करना मत बोलना और अगले मूवी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है जॉन विक चैप्टर 4। और ये मूवी इस फ्रेंचाइज के नंबर 4th मूवी है और हम लोगों को इस मूवी में जो एक्शन दिखाया गया ना, बाकी इसके जो पहले आए हुए 3 मूवी उससे ज्यादा खतरनाक दिखाए गए हैं। मूवी की कहानी होती है हमारे मेन हीरो जॉन विक के बारे में, जो किसी भी तरह अपने आप को बचा रहा होता है और किसी भी तरह हमारे जितने भी सारे गैंगस्टर होते हैं सारे को सारे खत्म करना चाहता है। लेकिन इस बार कहानी बद से बदतर होता है। लेकिन इस बार हमारे एक गैंगस्टर के मेंबर ने जॉन विक के ऊपर एक बड़ा सा इनाम रखा होता है, क्यों वो इसीलिए ताकि वो जॉन विक को मार दे और जॉन विक उन तक पहुंच नहीं पाए। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप जरूर से जरूर जाके मूवी चेकआउट कर लीजिएगा। मूवी को एंड पर रेटिंग 9 स्टार और मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर है एक बेस्ट जापानीज एनिमी, जो कि 2023 में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और न्यू रिकॉर्ड्स बनाए भी हैं। 2023 में रिलीज हुए मूवी सुजू में जिसका डायरेक्टर है वो भी योर नेम मूवी को डायरेक्ट किए हैं। अगर आपको योर नेम मूवी पसंद आया है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। मूवी की कहानी बेस्ड है एक 17 साल लड़के के ऊपर, जो कि एक आदमी का हेल्प करता है। वो आदमी कोई और दुनिया से जुड़ने वाले दरवाजे को कंट्रोल कर रहा होता है और दूसरी दुनिया से आने वाले मॉन्स्टर को रोकता है ताकि वो इंसानों की दुनिया में नहीं आ पाए। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मूवी को जरूर से जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और मूवी को एंड पर रेटिंग 8 स्टार आउट ऑफ 10 स्टार में से। नंबर 4 पर गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, जो कि गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का सीक्वल है। गार्डन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को समझने के लिए इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना पड़ेगा। और ये मूवी अवेलेबल है हिंदी में, वो भी नेटफ्लिक्स और हर वेबसाइट में। इस मूवी की पूरी स्टोरी गार्डन ऑफ द गैलेक्सी की मेंबर रॉकेट के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी में रॉकेट की लाइफ यहाँ पर खतरे में होता है और सब हीरो मिलकर रॉकेट को बचाने की कोशिश करते हैं। और इस मूवी में हमको रॉकेट के पास्ट के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप मूवी को जरूर से जरूर जाकर चेकआउट करना और मूवी को एंड पर रेटिंग लें 8.2 स्टार। नेक्स्ट मूवी है द कोवेनेंट, जो कि एक बेस्ट इमोशनल मूवी है। मुझे तो भाई काफी इमोशनल लगा, आपको पता नहीं कैसा लगा हो। अगर आपने चेकआउट नहीं किया हो तो जाकर चेकआउट कर लेना। और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई दिल से भाई बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाले हैं। मूवी की कहानी में दिखाया जाता है कि एक सोल्जर के बारे में, जो कि तालिबान के हाथ में लग जाता है। तालिबान उसको बहुत सारे टॉर्चर करते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका एक साथी उसको वहां से बचा लेता है और उसको घर लेके आ जाता है। लेकिन यहां पर तालिबान के जो भी सोल्जर वगैरह यहां पर जो उसको दुश्मन होते हैं वो उसको ढूंढ ढूंढ के मारने की कोशिश करते हैं और उसकी फैमिली को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर वो कैसे बचता है उस सबसे और अपनी फैमिली को कैसे बचाता है, इस मूवी में दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया हो तो जाकर चेकआउट कर लेना और भाई एक लाइक तो बनता है। इसकी स्टोरी जानने के लिए मूवी को जरूर से जरूर जाकर चेकआउट करना और मूवी को एंड पर रेटिंग 7.5 स्टार। आज के लिए बस इतना ही था और वीडियो का चला आपको कमेंट में जरूर बताना है। और किसी भी तरह से ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो कमेंट में जरूर बताना है। और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।